हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दवाई एक और फायदे अनेक। तो कौन सी दवाई है जिस केवल एक सिंगल दवाई है और उसके बहुत सारे फायदे हैं? तो वीडियो को बिना स्किप करिए, पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक इत्मीनान से देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें दवाई की, तो वो कौन सी दवाई है, वो कौन सी चीज़ है? तो पहली चीज़ थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो कौन सी है, वो है आपका ये एस्ट्रोबिट का कैल्शियम, ठीक है। और इसके साथ में है ये विटामिन, ठीक है, कैल्शियम और विटामिन, इन दोनों का मिक्सर। बात करें ये किस कंपनी का है, तो ये वेयरबैक कंपनी का है जो कि एस्ट्रोबिट के नाम से आता है। दूसरा है यहाँ पर विटामिन, जो कि ये भी वेयरबैक कंपनी का है और विमरॉल के नाम से आता है। बहुत ही अच्छा ये माना जाने वाला ये विटामिन है और बहुत ही अच्छा माना जाने वाला ये कैल्शियम है। कैल्शियम इसके अलावा आपको अदर कंपनी के भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर अच्छे कंपनी के लोगे तो ज़्यादा फायदेमंद होता है, लोकल का नहीं होता है। अगर बात करें यहाँ पर वेयरबैक के अलावा, आप हिमालया का भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छा आता है। क्योंकि अभी हमने आपको पिछले वीडियो में एक हिमालय का लीवर टॉनिक के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो हिमालय का भी आपका ये कैल्शियम भी आता है और विटामिन आपको जो है वो केवल विमराल की मिलेगी, अदरवाइज और भी कंपनियां आती हैं जो कि आपको मिल जाएगी। अगर इनके प्राइस की बात करें, तो पहले चीज़ हम ये समझ लेते हैं कि किसमें कितना इन दोनों का यूज़ कैसे करना है। तो देखिए, एस्ट्रोबिट होता है 1 लीटर का, ठीक है, आपका 500 ml में भी आता है, मतलब आधा लीटर में भी मिलेगा आपको, 2 लीटर में भी मिलेगा और 5 लीटर में भी मिलेगा। लेकिन हमें इसमें जो विटामिन देना है वो कितना देना है बर्ड को, अगर 1 लीटर का हम कैल्शियम लेते हैं, ठीक है, तो इसके साथ में हमें यहाँ पर विमराल जो है विटामिन से वो आपको 60 ml यूज करना पड़ेगा। इसको खोल करके ये 60 ml का जो विमराल है इसको इसमें डाल करके मिक्स कर देंगे। ये जो मिक्सर होगा, ठीक है, इसे अपने बर्ड को देना है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर इसकी प्राइस की बात करें, तो प्राइस अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, फायदे जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके प्राइस की बात करें, अगर 1 लीटर की, तो इस समय करंट का प्राइस है 162, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं एक इमेज लगा दूंगा जहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये है आपका 162, 162 रुपये का है इस समय। और विमराल की बात करें, ये आपका 60 ml का है, इसकी कीमत है 102 रुपये। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें जो एस्ट्रोबिट है वो अपने बर्ड को देना कितना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है कि पहले देखिए, छोटा चूजा होता है, छोटे के बाद में बड़ा होता है, तो इनको थोड़ा जितना जितना बड़ा हो जाता है इनकी डोज भी उतनी ही बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर अगर हम डोज की बात करें, अगर छोटा चूजा है, ठीक है, तो छोटा चूजा है आपका, तो आप शुरुआत के 3 दिन आप दीजिए, कितना देना है आपको 20 ml देना है 100 बर्ड पर, ठीक है, 100 बर्ड पर आपको 20 ml देना है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, और एक टाइम के पानी में आपको देना, नहीं 24 घंटे में सिर्फ एक टाइम के पानी में आपको 20 ml आपको 100 बर्ड पर देना है। बर्ड अगर जैसे ही इसका वेट बढ़ता है तो आप इसका जो मात्रा है वो बढ़ा सकते हो। अभी जो मान लीजिए बर्ड है आपका वह देसी बर्ड है, तो आपका 1 महीने का हो चुका है, तो आप यहाँ पर इसकी जो मात्रा है वो आप बढ़ा सकते हो, 30 ml कर सकते हो आप 100 बर्ड पर। बर्ड अगर आपका और भी बड़ा हो गया, लगभग 1.5 kg के आसपास का है, तो आप इसको 40 ml या 50 है जो कि आप दे सकते हो अपने ब्रॉयलर बर्ड को, अपने देसी बर्ड को, आप अपने बतख को, आप अपनी बटेर को, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जानवरों को भी ये दिया जाता है। तो दोस्तों, अभी ये इसके फायदे में बता रहा हूँ, फिलहाल तो ये उन लोगों के ज़्यादा फायदेमंद है जो कि देसी मुर्गी पालन करते हैं, ठीक है। बतख वालों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, बटेर वालों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, बल्कि होता ही है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर ब्रॉयलर वालों के लिए भी फायदेमंद होता है, लेकिन वो लोग इसको नहीं देते। यहाँ पर तो गाड़ियाँ ऐसे निकलती हैं कि पूछो ही मत, हॉर्न बजाते हुए। ऐसी जगह पर मेरा फार्म है कि जहाँ पर इतनी ज्यादा गाड़ियाँ निकलती हैं कि मुझे वीडियो बनाना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल ऑन हाईवे है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फायदे की, किसके क्या क्या फायदे हैं इन दोनों को देने की। तो शुरू से हम बताएंगे लास्ट तक की क्या क्या फायदे हैं। तो मैं इसको फिलहाल तो एक साइड में रख देता हूं, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि इसको और इनको आपस में मिला देना है, वो तो इस बॉक्स में मिला
लिखा हुआ है और यहाँ पर बना हुआ है और आप लोग इस चीज को जानकारी भी रखते होंगे। तो अब हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि आपको ये फायदेमंद किन किन चीजों में है और कब और किन को कैसे देना है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसके फायदे बताते हैं। आप छोटा चूजा लेकर के आते हो, चाहे ब्रॉयलर का हो, देसी का हो, बतख का हो या बटेर का हो, जब हम इसका चूजा लेकर के आते हैं तो इतना मजबूत नहीं होता है चूजा, ठीक है। उसको दिया जाता है ये विमराल, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि विमराल के अलावा आप दूसरा भी दे सकते हो, लेकिन बेस्ट आता है, ठीक है। ये होता है विटामिन्स। अगर विटामिन्स बर्ड के शरीर में पूरी तरह से पहुंच जाएंगे तो उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत हो जाता है। साथ में अगर हम कैल्शियम देते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम भी जो होता है वो हड्डियों को मजबूत करता है। तो अगर आप बर्ड को, छोटे बर्ड को आप इसको दे रहे हो, लगातार आपको नहीं देना है, या दो दिन या तीन दिन आपने दे दिया 8 दिन के में, और 8 दिन के बाद फिर नेक्स्ट टाइम 8 दिन में आपने 2 दिन 3 दिन दे दिया, तो जो इनकी हड्डियां होती हैं, ठीक है, वो मजबूत हो जाती हैं, ठीक है। तो जब हड्डियां इनकी मजबूत हो जाएंगी तो शरीर भी मजबूत रहेगा, और शरीर मजबूत रहेगा तो बर्ड हमारा स्वस्थ रहेगा, ठीक है। ब्रॉयलर की बात करें तो ब्रॉयलर में इसलिए दिया जाता है ताकि ब्रॉयलर में जो बर्ड है उसका लंगड़ापन ना आए, ठीक है। देसी में भी इसीलिए दिया जाता है ताकि जो बर्ड है उसमें लंगड़ापन ना आए, उसमें एक्टिविटी बनी रहे हमेशा, पूरे पोष और जो ये विटामिन है ये पोषक तत्वों से भरपूर है, इसलिए विटामिन को दिया जाता है ताकि इनके शरीर में विटामिन की भी कमी ना हो। क्योंकि हम पता नहीं कौन सा फीड दे रहे, उसमें सारे मिनरल्स, सारे विटामिन, सारे पोषक तत्व हैं कि नहीं है, इसलिए ये जरूरी होता है कि अगर हम ये विटामिन अगर उनको देते हैं तो उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों ये हो गई पहली चीज। अब हम बात करते हैं दूसरा कहाँ पर ये फायदेमंद होगा। दूसरा क्या है कि देखिए, अब चाहे छोटा बर्ड हो जाता है, इसके बाद बर्ड जो है वो बड़ा हो जाता है, तो बड़े होने पर भी इनको जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने बताया अगर फीड इसको हम दे रहे हैं तो फीड में उतनी सारी प्रोटीन्स, उतनी सारी मिनरल्स, उतनी सारे पोषक तत्व तो नहीं होते हैं जो कि उनके शरीर को अच्छी तरह ग्रोथ दे सके, अच्छी तरह उनको मजबूत रख सके। इसलिए छोटे से लेकर बड़े सभी बर्ड को आपको ये देना है। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, आप बर्ड तो हम कुछ लोग मतलब मांस के लिए पालते हैं तो बेच दिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अंडे के लिए पालते हैं। अंडे के लिए देसी मुर्गियां लोग पालते हैं, ठीक है, अंडे के लिए बतख पालते हैं, अंडे के लिए बटेर पालते हैं, और बटेर से फिर चूजे निकालते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होती है। अगर आपकी मुर्गियां अंडा नहीं दे रही हैं या कम दे रही हैं, आपकी बटेर अंडा नहीं दे रही या कम दे रही हैं, तो दोस्तों आप इनको दीजिए। निश्चित है जो अंडे नहीं दे रही वो अंडे देने लगेंगी, जो अंडे कम दे रही हैं वो ज्यादा अंडे देने लगेंगी। तो अंडे के लिए सबसे फायदेमंद है आपका ये कैल्शियम और विटामिन। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा फायदा क्या है आपका, ये कैल्शियम और विटामिन देने का। तो यहाँ पर जो तीसरा फायदा है वो है हमारा कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। हमने आपको कई वीडियो बना के दिए हैं, यहाँ पर पिछला वीडियो बनाया तो आप देखिए, मैंने इनको मतलब हर 8 दिन में 2 दिन या 3 दिन को कैल्शियम हमने दिया, ठीक है, कैल्शियम विटामिन मिला करके दिया, और इनकी हमने ग्रोथ भी आपको दिखाई, इनका वजन करके भी दिखाया कि देखिए कितना अच्छा इनका जो है वजन भी अच्छा इन्होंने गेन किया। तो ग्रोथ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है आपका ये कैल्शियम और विटामिन। तो दोस्तों यहाँ पर तीन जो बातें थी हमने, मुख्य बातें, वो हमने आपको बताई। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप पहले यूज करिए और यूज करने के बाद में जब आपको इसमें फायदा नजर आए तब आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।